सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब। हंस हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। स्मोकिंग कॉसेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। लिकर ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। Oh, 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 oh
तीन घंटों में पहुंच जाएंगे ना? जिस रफ्तार से जा रहे हैं ना, उससे 2-3 दिन लग जाएंगे। मैंने तेज चलाने के लिए मना किया ताकि बीच रास्ते में कोई तकलीफ ना हो, लेकिन इतनी दूर जाना है तो ट्रेन या फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते थे ना। इतना स्ट्रेस लेकर ड्राइव करने की क्या जरूरत थी? मुझे ड्राइविंग का इतना शौक नहीं है। तुम्हारा ये प्यारा बेटा जो है ना, कार चलाने की जिद कर रहा था। कार चलाने के लायक कब होगा पता नहीं। अच्छा बस भी कीजिए, मेरा बेटा बड़ा होकर शानदार कार चलाएगा और इतनी तेज ड्राइव करेगा ना कि आप देखते रह जाएंगे और उसकी ड्राइविंग से आपको डर लगेगा। तो मेरी इज्जत कभी करोगे कि नहीं? आपको दो बातें बताती हूँ। पहली बात ये कि पत्नी कभी पति की इज्जत नहीं करती, बल्कि पत्नी खुद पति की इज्जत होती है। वैसे भी आप जैसे सिंसियर पर्सन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ये सब बातें मैं आपको बताऊँ तो अच्छा नहीं लगता ना? ओहो, ये सब सुनने के बाद तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, जुबान से अल्फाज ही नहीं निकलते। बचपन से जिस परिवार के प्यार के लिए तड़पती रही वो आपने मुझे दिया। सच कहूँ तो आपसे शादी होने के बाद दुख क्या होता है मैं भूल ही गई। अगर मेरे बेटे ने भी मुझे ऐसी ही खुशियाँ दी तो दुनिया में मुझसे खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। कल को जब हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे ना, तब ये भी आपकी तरह बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा और अपनी माँ को बिल्कुल भूल ही जाएगा। इसलिए मैं इसको आपकी तरह बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, किसी और प्रोफेशन में डाल दूंगी इसे। ये किसी भी प्रोफेशन में जाए इसे तो सक्सेस मिलेगी ही। क्या कहते हो वरुण? वरुण से यस। ओके मम्मी। व्हाट यू से? ओके। Hi. Nice car. Yeah, just like you. Thank you. Welcome. Who is this? Huh? What is this? Car owner. यानी ये driver है. Sir को आधी रात में घर पे dropping. Please. Stop the car. चल. मैं तो इसे पैसे वाला समझ रही थी। सारा काम बिगाड़ दिया। ए, मेरी गाड़ी चला रहा है तो चश्मा भी मेरा यूज करेगा क्या? सॉरी सर, ये दिखने में बड़ा अच्छा दिख रहा था ना, इसलिए ट्राई करेगा। लड़की दिख जाएगी तो उसे भी ट्राई कर लेना बेटा। वैसे तेरा हिसाब किताब भी सही है, पार्किंग से गाड़ी उठा के पूरे शहर में घूमने का है? सर बार है बंजारा हिल्स में, पार्किंग कहाँ है? जुबली हिल्स में। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ सर? बिल्कुल सही कहा, आजकल कार खरीदना आसान हो गया है लेकिन पार्किंग मिलना बेहद मुश्किल है। यू आर राइट 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 ओके सर, राइट ही ना? स्ट्रेट।
थैंक यू। इट्स ओके सर। निकलना। सर आप तो बहुत बड़े इंसान हैं। 500 तो दे दीजिए। अरे तू टिप मांग रहा है या उधार मांग रहा है? सर 500 कोई उधार मांगता है क्या? बोल बच्चन अच्छा है तेरा। थैंक यू सर। सर 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 बाहर निकाल ही दिए तो अंदर क्या रखना। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। बाय सर। हाँ बोलना। ओमिनी कार को ड्रॉप करना है। नहीं यार ऑडी बेंज ओनली रिच कार्स। ओके ना? जानते हैं फादर, लोगों ने मुझे जो दक्षिणा दी थी उससे कुछ ब्याज मिलेगा सोच के इसे कर्ज दे दिया। ना ब्याज मिला ना मूल, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वैसे आप यहाँ कैसे फादर? चाय सर। वरुण एक दिन मेरे चर्च में आया था। चाय सर। मैंने उससे पूछा क्या तकलीफ है बेटा? उसने कहा मेरी तकलीफ सुनेंगे तो आपको रोना आएगा फादर, लेकिन अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको उसका ब्याज भी दूंगा फादर। मैंने अपनी जेब से निकालकर उसे पैसे दे दिए, लेकिन आज तक वो वापस नहीं आया। अरे उधर देखिए फादर, इसने वरुण को कर्ज देने का गुनाह किया है, इसलिए मस्जिद छोड़ करके यहाँ आया है नमाज पढ़ने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, हमें मुश्किल से निकालने के लिए और उससे उधार के पैसे निकालने के लिए वो ऊपर वाला जरूर कोई ना कोई नायक भेजेगा। उसके पास से कर्ज वसूल करने के लिए ऐसा कौन है फादर? मैं हूँ ना। अरे रे भाई, उससे पैसे वसूल करने का मतलब इतना इजी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुम सबको देखने से तुम सब निराश और बेसहारा लग रहे हो। उससे बात करने के लिए मेरे जैसा हिम्मत वाला चाहिए, एक नायक चाहिए, और वो मैं हूँ। तुम किस लिए भाई, हम भी तो हैं। उसकी बातों को तोड़ मरोड़ के उसी में घुसाने की हिम्मत सिर्फ मुझ में ही है। तुम बस उसको आने दो, फिर दिखाता हूँ कि नायक कौन है। भैया बाहर भीड़ लगी है, जरा संभल के। सबने मिलके एक लीडर भी चुन लिया है। लीडर? अरे भाई कब तक ऐसे टुकुर टुकुर देखते रहोगे? कुछ बात करके मैटर सॉल्व करो ना। बिना देखे मेरा मूड नहीं बनता है। तूने 6 महीने पहले हमारे बैंक में आके ये चेक दिया था ना? तुम्हारी बैंक ने जो अमाउंट दिया था वो आधा ही दिया था, बाकी का आधा दिया ही नहीं, ये याद है ना? याद है मुझे, मैं वही आधे पैसे वसूल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। भाई तुम्हें यहाँ बैठाया ताकि तुम हमारे पैसे निकाल के दो। पहले नायक का काम, बाद में प्रजा का काम। होम लोन के नाम पे जमीन लेके फ्लैट बनाने के लिए हाफ पेमेंट लिया था तुमने। कॉन्ट्रैक्शन का फोटो देने के लिए कहा तो ये फोटो दिया तुमने। फेस तो फोटोजेनिक है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? फेस की बात नहीं कर रहा हूँ, फेस के पीछे प्लेस की बात कर रहा हूँ। वैसे उस टापू को देखे तो वो समुद्र से घिरा दिखता है। फोटोग्राफर से गलती हो गई, इस बार सही फोटो भेज दूंगा। तुम्हें जो देना है वो फोटो नहीं, लिया हुआ अमाउंट है। अगर तुमने नहीं दिया तो फोटो का समुद्र सेम रहेगा, लेकिन तुम इस दुनिया में दिखोगे नहीं। भाई 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 ऐसा मत कहो भाई, सबका कर्ज चुकाने के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने कल ही कजाकिस्तान बैंक से लोन लिया है। एक मिनट, हाँ ये देखिए चेक। ये चेक मुझे दे दे, गाँव वालों के साथ बैंक में आना और चेक लेके जाना। भाई 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 ऐसा मत करो भाई, मैं जब बड़ी परेशानी में था तो मेरी मुलाकात एक भगवान से हुई। जब मैं मंदिर गया था तो उस भगवान ने स्वामी जी के रूप में मुझे कर्ज दे दिया। दिल से प्रार्थना करने पर इस आदमी ने मेरी रक्षा की है। थैंक यू फादर। नमाज पढ़ने गया था तो क्या बताऊं आपको, इस बादशाह भाई ने मुझे पैसे दे दिए। इसलिए पहले इनके पैसे लौटाना ही न्याय है भाई। इनके साथ न्याय करेगा तो मेरे साथ अन्याय होगा। मैं ये चेक नहीं देने वाला। मेरी बात सुनिए, नहीं दूंगा। अरे सुनिए तो सही भाई। अरे भाई, अरे हमने लीडर बनाया और हमें ही लूट रहा है तू। हाय राम हाय राम, ऐसे दुष्ट को लीडर बनाएंगे तो ऐसा ही होगा। एक ही चेक था, उसके भी टुकड़े हो गए। आप लोग चिंता मत कीजिए, दूसरा चेक मिलते ही मैं बता दूंगा, आकर ले जाना। ठीक है बेटा, तुम पे हमें भरोसा है।
चलो भाई चलो 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 भाई चलो चलो हाँ चलो भाई चलो चलो भाई का कोई फायदा नहीं है अब। अरे इन्होंने तो छोड़ दिया लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझसे पैसे वसूल वसूली के चक्कर में तो ये यहीं पर लेट गया। मुझसे पैसे वसूल करना किसी के बस की बात नहीं है। I'll give you 30 crores, Mr. Khan. 30 crores. डिस्काउंट देने के लिए ये कोई दिवाली का ऑफर नहीं है। एंटिक पीसेस ऑफ द कंट्री। ओके ओके, I'll give you 50 crores. डील ओके। इंस्पेक्टर, मुझे पकड़ने का प्लान किया था ना, मैंने उसकी भी पायरेसी कर ली। तू कितना भी ट्राई कर ले, मेरे ठिकाने का तुझे क्लू तक नहीं मिलेगा। एनीवे, मेरा नाम बताकर अपनी बीवी के लिए फ्री के फूल लेकर के जाओ। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसने पैसे दिए क्या? दे दिया भाई। और इस प्रसाद ने दिए कि नहीं? दे दिया भाई। वेरी गुड। और इस वरुण ने दिए कि नहीं? नहीं भाई। क्यों रे, इस महीने भी इसने नहीं दिए? जब से कर्ज ले गया एक भी किस्त नहीं दिया भाई। अरे इस शहर में जो भी मेरे पास कर्ज मांगने आता है उसके दिल में यह डर होता है कि कब लौटाऊंगा, और वो समय पर पैसे लौटा देता है। ये कौन है रे? ये तो हमें ही डरा रहा है। असल में हमारा बिजनेस तो भरोसे पे चलता है। असल में एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड देने वाले को ही कर्ज देना चाहिए भाई। आपने तो लवारिस को कर्ज दे दिया भाई। उसके आईडी प्रूफ में ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था तो मुझे लगा ये बहुत पॉजिटिव होगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो नेगेटिव है। हे, तुम लोग एक काम करो, जिसके जिसके साथ उसके संबंध है सबको टारगेट करो। टारगेट करो। ये तुम लोग क्या छिछोरापन कर रहे हो? तुम्हारे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? देखो अच्छे से समझा रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ। चलो जाओ यहाँ से। ए, हम किसी भी कुतिया के पीछे पड़ेंगे, चाहे वो पग हो, पामोलियन हो या खुजली वाली। तू बीच में मत पड़, बड़ा आया उपदेश देने वाला। चल तू इधर से कल्टी मार ले। इंसानों की तरह समझा रहा हूँ तो तुम लोग समझ नहीं रहे हो। तू तेरी तो मुझे चलो चलो जल्दी यहाँ से। रुक रुक, अरे कहाँ भागते है? समझा रहा था। अरे मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ए रुक, अरे रुक, ए मेरी डार्लिंग को मेरे हवाले कर। ए बाप रे। अरे बंटी अपने कुत्ते को कंट्रोल करना प्लीज यार, दौड़ो दौड़ो के मुझे मार डालेंगे ये लोग। वो तो मुश्किल है बॉस, ये लोग एक बार कमिटमेंट कर देते हैं ना तो फिर मेरी बात भी नहीं मानते। सो जंप।
I missed you. इसकी सेफ्टी के लिए तुम जब जॉगिंग के लिए निकलो तो मुझे बुला सकती हो। एक साल से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, एक बार तो मुझे कंसीडर कर सकती हो ना? अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझो, निकलो। हेलो, जाते जाते एक बात तो सुनती जाओ। वरुण अपने दिल में जो ठान लेता है ना, वो पूरा किए बिना दम नहीं लेता। हम भी वसूली किए बगैर दम नहीं लेते। हा? कितने दिन से लटका रखा है तूने? भाई नमस्ते, तुम यहाँ? हाँ यहाँ। पैसे कब देगा? परसों दे दूंगा भाई। परसों पक्का दे देगा ना? जब देना होगा तब बताऊंगा। अबे तू क्या, तुझे इज्जत दोगे तब तक पैसों की बात। इज्जत खत्म तो नो पैसा ओनली पिटाई। क्या रे वेंकट, मैंने भाई से कर्जा कैसे लिया? भाई भाई भाई, कुछ भी करके कर्जा चुका दूंगा भाई। भाई भाई भाई, मुझे देखो ना भाई। अरे मैं हूँ ना आपका वरुण भाई। भाई भाई भाई, अरे नहीं दूंगा, चल निकल। अरे कहा ना नहीं दूंगा, परेशान मत कर मुझे। अरे जाना भाई, इस बार कुछ भी करके चुका दूंगा भाई। भाई अरे बहरा है क्या? अब चल जा। भाई भाई जा, मेरे बाप बहाना नहीं दूंगा, चुपता कर दूंगा भाई। भाई प्लीज भाई, मैं आपके पैर में छोड़ूंगा भाई। पैसे चाहिए, देके भागा। तो जब तक आप इज्जत देंगे तब तक मैं इज्जत दूंगा। अब तेरे को इज्जत देंगे क्या हम? आना, अरे पकड़ लिया, आजा आजा आजा। अरे पीटो इसको, अरे पीटो ना भाई, मैंने पकड़ लिया। अरे मैंने पकड़ लिया यार, आओ ना। अरे मारो मारो इसे। अरे 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 मारेगा, मारेगा क्या? मारेगा, देख 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 देख, मारेगा। चल। ए, तेरा क्या बे? कुछ नहीं। बात करनी है क्या? अरे डर क्यों रहा है? मारूंगा नहीं, तू मारेगा। चल इधर इधर आना। भाई आपके चक्कर में नाक तोड़ दी इसने। अरे मैंने नहीं मारा यार। नहीं मारा, नहीं मारा बोल के सब खत्म कर दिया। ए तू इधर आ। मुझे मत मार, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। चल 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 चल, दर्द हो रहा है क्या? बहुत 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 हो रहा है भाई, भाई मैं छोड़ छोड़। मैं बहुत इज्जत से बात कर रहा था, और तुम लोगों ने इज्जत देनी चाहिए थी, रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। मेरे दिल को बहुत चोट लगी, मेरा ईगो इरिटेट हो गया। फिर तो फिर मतलब इज्जत से मेरा ईगो सेटिस्फाई करो, तभी पैसों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? चलो अब जाओ। ठीक है, इस बार लोग लेके आएगा ना तो इज्जत से आना, ठीक है ना? ठीक है ठीक है, इसको पैसे भी देने, इज्जत भी देनी है। चलो चलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, प्लीज बैठिए। इसमें जो डिटेल्स है उन्हें डिकोड करने में आपको कितना टाइम लगेगा? मिनिमम 1 वीक लगेगा सर। श्योर? यस सर। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस। डोंट वरी सर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। बाय सर। बाय। सुप्रीत सर, बी केयरफुल, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके सर। पुलिस मतलब डर लगता है। तुम लोग सिंसियर हो इसीलिए तो मैं हिम्मत से बिजनेस कर रहा हूं। तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं किसके भरोसे पे करूंगा? मेरे साथ जितने भी एसआई थे वो कितने सिंसियर थे जानते हो? मुझसे लिए हुए हर एक रुपए के साथ न्याय करते थे। 2 महीने पहले का प्लान 2 मिनट पहले बताओगे तो कैसे करूंगा मैं? सॉरी सर, मुझे भी तभी पता चलते ही आपको कॉल किया। मैं बहुत सिंसियरली वर्क करता हूँ सर, चाहो तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अभी भी आपको बचाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, आप एस्केप हो गए और लैपटॉप भूल गए। इतनी इंपॉर्टेंट ब्रीफ केस को ऐसे कैसे भूल सकते हो तुम लोग बेवकूफ कहीं के? अब वो पुलिस के पास है, वो लैपटॉप डिकोड करने के लिए सुप्रीत नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। हमारे पास टाइम नहीं है, मैं कोई प्लान बनाता हूँ, आप अप्लाई कीजिए। गुड गुड, जो बोला वो समझ में आया। सर का प्लान फॉलो करो, इस बार अगर मिस हुए तो सबका दी एंड। कम ए, तुम लोग साथ में जाओ। ओके भाई। Ha ha ha.
रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। ठीक है, वो जो रिस्पेक्ट मांग रहा है उसे दे दो, और हमें जो पैसे चाहिए उसे लेकर आओ। समझ गए ना? समझ गया भाई। अब जाओ। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये रेशम जैसे बाल, देखा जो तुझे जानूं हुआ है बुरा। ये काली काली आंखें, ये लड़कियां भी ना जान कर अनजान बनती फिरती हैं, हमेशा आधा अधूरा हिंट देकर दिलों पर कहर डालती हैं। हेलो, ये जो मेरी फ्रेंड है ना, ये यहाँ पर आके बैठने वाली है। थोड़ी देर बैठता हूँ ना, पैर में दर्द हो रहा है। मेरे दिल में हो रहा है, मैंने बोला क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या है यार? एक साल से सिंसियरली ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए ये ज्यादा नखरे कर रही है। अब कोई फायदा नहीं है, लगता है इसके दिल में जेलसी क्रिएट करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, कैन आई सिट हियर? ओके, श्योर श्योर श्योर, बैठिए ना। ओके, थैंक यू। आपको मैंने पहले कहीं देखा है। अच्छा, मेरा नाम है वरुण, आपका नाम? जैस्मिन। जैस्मिन, आप आई तभी बहुत खुशबू आ रही थी। जैस्मिन, खूबसूरत फूल है, अपने नाम की तरह आप बहुत खूबसूरत हैं। आप झूठ कह रहे हैं ना? अरे सच्ची तो है, सच कह रहा हूँ। इस ड्रेस में आप मोहब्बतें की ऐश्वर्या राय लग रही हैं। वो भी बिल्कुल यही कहते हैं। वो मतलब कौन? वो कहते हैं तू मोहब्बतें की ऐश्वर्या लगती है, और मैं शाहरुख खान, और वो मेरे पति आपके बगल में ही है। देखा ना, ये भी बिल्कुल आप ही की तरह बातें करते हैं। ये तो ट्राई मार रहा है। अभी इस बात पे क्या बहस करना। लड़कियों की यही हंसी पत्थर में भी प्यार जगाती है। लगता है आपको पहले कहीं देखा है। अच्छा, मेरा नाम वरुण है, आपका नाम? नहीं नहीं, जैस्मिन। सुपर, आपके नाम की तरह ही आप भी बहुत सुंदर हैं। मेरी माँ, बात सुनो प्लीज। मोहब्बत की ऐश्वर्या राय। वरुण, ये तो तुझे शर्मिंदा करके मारेगी। और तुम शाहरुख खान। बस करो प्लीज। Thank you.
हे जूली, व्हाट अ सरप्राइज। तुम्हें ना कॉफी पे बुलाया था ना। ओके, वन मिनट। मैं रेडी हूँ। अब चले? कहाँ चले? वही कॉफी पीने जाना है ना। मुझे बाहर कॉफी पीने में इंटरेस्ट नहीं है।
ए, हमने इसे अच्छे से रिस्पेक्ट दी ना? हाँ, अच्छे से रिस्पेक्ट दिया भाई। अब तो तुम खुश हो ना? हमने तुम्हें अच्छे से रिस्पेक्ट दी है। खुश हो गए ना? रिस्पेक्ट तो सब ठीक है, लेकिन 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 वो पैसे देगा ना? ये डाउट है भाई। हेलो सर, मैं आईसीआईसी बैंक से कॉल कर रही हूँ। हाँ? आपने पर्सनल लोन लिया है ना? उसे पेमेंट के बारे में बात करनी थी। आप फ्री तो है ना? फिर से बताइए। आईसीआईसी बैंक से कॉल कर रही हूँ। आपने पर्सनल लोन लिया है ना? उसे पेमेंट के बारे में बात करनी थी। आप फ्री तो है ना? बात कर सकते हैं क्या? इसको कहते हैं रिस्पेक्ट। देखा ना बैंक वाले कितना अपडेट हो चुके हैं। कर्जदारों से कर्जा वसूल करने के लिए लड़कियों को अरेंज करके एक रेंज में कस्टमर्स को रिस्पेक्ट देकर पैसे मांगते हैं। तो जाकर अपने भाई को बताओ कि बढ़िया बढ़िया लड़कियां रखा करो, उसके बाद हम कर्ज के बारे में बात करेंगे। कर्जा मांगा तो लड़कियों को रखने की सलाह दे रहा है? फिर से रिस्पेक्ट मिस हो गई। तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। थैंक यू दादी माँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वेलकम। हैप्पी बर्थडे जूली। थैंक यू सो मच। हे इट्स ओके। शादी कब करेंगे? अपने पेरेंट्स से तुम बात करोगी या फिर मैं बात करूं? ए वेट वेट स्टॉप। शादी मतलब? जूली मैंने तुम्हें इंप्रेस किया, तुम भी अच्छे से इंप्रेस हो गई, तो प्रॉब्लम क्या है? आगे शादी ही तो करेंगे ना। लिसन तुम समझ नहीं रहे हो। आजकल के जो लड़के हैं, लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए उनका बर्थडे काफी रिच प्लान करते हैं, और ऐसे जाल में कोई दूसरी लड़की फंस सकती है, लेकिन ये जूली नहीं। ठीक है, तो टेंशन क्या है? वो रिंग मुझे वापस दे दो, जो फंसने वाली रहेगी उसे इंप्रेस कर दूंगा। सॉरी, एक बार जब ले ली है तो वापस करने का दिल नहीं कर रहा। ओए, तुम ऑलरेडी फंस चुकी हो, बस मुझे समझ नहीं पा रही हो। मेरे जैसा दूसरा नहीं मिलेगा बेपनाह प्यार करने वाला। क्यों रे? हाँ भाई। इस राज ने पैसा दिया? दिया भाई। गुड। और इस रवि ने दिया कि नहीं दिया? उसने भी दिया भाई। वेरी वेरी गुड। और इस वरुण ने दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया भाई। बोला अभी को देना। क्या बात कर रहा है? उसने जो रेस्पेक्ट देने के लिए बोला था वो तुमने नहीं दिया? दिया भाई। फिर क्या परेशानी है? उसको लड़की चाहिए भाई। लड़की चाहिए उसे? हमारी दी हुई रिस्पेक्ट अच्छी नहीं लगी, बोला अगली बार आना तो लड़की लेके आना। ओहो, तो अब क्या उसे लड़की से मसाज करवा के देना पड़ेगा क्या? समझ गया मैं, वो पैसे नहीं देगा। ये बात अब मेरी समझ में आई। हम तो पहले ही समझ गए थे भाई, आपको कब समझ आएगा ये वेट कर रहे थे।
उससे पैसे कैसे वसूल करने हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। उससे सूद समेत पैसे वसूल करने वाला एक आदमी है। हाँ, तो उस सुबह से पैसे वसूल करने के लिए भेजा था। मैंने पैसे मांगे। उसने बोला नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर मैंने उसकी किडनी निकाल ली। किडनी लेकर आए? हाँ, किडनी लाया। इसे बेचने के लिए डीलर भी साथ में लाया। इसे सौदा करके अपने पैसे वसूल कर लो। ए, भाई गन ला देना। नमस्ते करो। नमस्ते भाई। ये मामूली आदमी नहीं है। ए, वो देना। हाँ, ये जरा फोटो देखो। कौन है ये चूजे की तरह दिखता है? दिखने में ये चूजा दिखता है लेकिन है बहुत खतरनाक। मुझसे भी ज्यादा? हाँ, तुमसे ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा। फोटो दे दिया ना, काम हो जाएगा। पहले प्यार से समझाऊंगा, अगर बात समझ में नहीं आई तो उसका कौन सा पार्ट निकाल कर लाऊंगा मैं नहीं जानता। अरे बंटी, 5,000 उधार देना, अर्जेंट चाहिए यार। अरे तूने पहले के पैसे दिए नहीं? अरे दे दूंगा ना यार। चल ठीक है, गाड़ी आगे रुक। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सिगरेट हीरो, इधर आ। तेरे कोई वे, इधर आ। कौन है बे तू? मैं कौन हूं उससे तेरे को क्या? पैसे कब देगा? यू मीन कैश? हाँ। वन मिनट। लेकिन तुम्हारा फेस कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन तेरा फेस कनेक्ट हो गया क्यों बे? सुना है तेरे से पैसे वसूल करने के लिए तुझे रेस्पेक्ट देना पड़ता है, सही है क्या? ओ, शेट्टी भाई के आदमी हो। मेरा ही आदमी है। मैंने उसको लड़की भेजने के लिए बोला तो उसने ये नमूना भेज दिया। नमूना? अरे यार, तुम्हारे पास गाने पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी भाई। अब ठीक है, समझ गया ना भाई? एक बार मिस हो गई, दोबारा मिस नहीं होगी, सीधा उसके पार हो जाएगी। कल दोपहर तक फूलों में रख के पैसे दे दूंगा भाई। शेट्टी भाई को लड़की भेजने के लिए बोला तो वो ऐसा खिलाड़ी भेजेगा, मुझे पता नहीं था भाई। तेरी चिकनी चुपड़ी बातों से फिसल कर गिर जाऊं मैं, कोई शेट्टी भाई नहीं हूं। लादेन गन ला देनू मैं, इसीलिए तो डर के मारे पैसे दे दूंगा बोल रहा हूँ। ठीक है, कल दोपहर तक तेरे साथ रहूंगा, पैसे लेकर निकल जाऊंगा। इतनी तकलीफ किस लिए भाई? तेरे पे मेरे को भरोसा नहीं है। उसके बताए ऑडियो का और यहाँ देखे वीडियो का बिल्कुल सिंक नहीं है। पैसा देगा तो ले जाऊंगा, नहीं तो मेरे को तेरा जो पॉट अच्छा लगेगा वो काट के ले जाऊंगा, याद रखना भाई। एक मिनट भाई। हाँ, कर ले कर ले कर ले कर ले। हेलो हेलो वरुण, सुप्रीत सर को ड्रॉप करना है, जल्दी कार लेके आना। हाँ हाँ, आ रहा हूँ।
मैं भी आता हूँ। आप किधर भाई? ठीक है चलिए भाई, आपके पास तो गन है ना। नमस्ते सर। ब्रीफ केस। ओके सर। नहीं है सर। आगे देख। यहां भी नहीं है सर। ब्रीफ केस तो नहीं है सर। ब्रीफ केस नहीं है? डिक्की में देख। ठीक है सर। क्या हुआ? डिक्की में भी नहीं है सर। ये मेरी गाड़ी नहीं है। मेरी कार कहाँ है? मेरी कार कहाँ है सर? वन मिनट। हेलो। ए तू कौन सी कार लेके गया है? यहाँ पे कस्टमर तेरा वेट कर रहा है। ए कुछ मैनेज कर यार, टेंशन में गलत कार लेके आ गया। बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। ओके आई एम रियली सॉरी सर, कन्फ्यूजन की वजह से गलत कार लेके आ गया। हाफ एन आवर टाइम देंगे तो आपकी कार आपके दरवाजे पे होगी। हाफ एन आवर में मेरी कार मेरे दरवाजे पे चाहिए? उसमें जो ब्रीफ केस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे किसी भी कीमत पे वो ब्रीफ केस चाहिए। ओके सर। जा 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 जल्दी जा। ए तू कहाँ जा रहा है? कार आने तक तू यहीं रहेगा? कल दोपहर तक बहुत जरूरी काम है। भाई 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 प्लीज भाई, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं तुरंत आ जाऊंगा, प्लीज भाई। ठीक है, नंबर बोल। 99490। मिस्ड कॉल दे रहा हूं। नंबर आ गया। ये नंबर मेरा है। ओके भाई, आधे घंटे में तू मेरे को कॉल करेगा। समझ गया ना? समझ गया भाई। मेरी गोली अभी खत्म नहीं हुई है बेटा, तू जानता है ना, इस बार निशाना नहीं चूकेगा। अरे टेंशन मत लो भाई, हाफ एन आवर में आ जाऊंगा ना। बाहर बहुत ठंड है। बहुत है। चलो अंदर चलते हैं। मेरे रूम के अंदर चलते हैं। चलो। क्या बात है, फर्स्ट टाइम सामने से कॉल आ रहा है। हमेशा मैं ही आउटगोइंग करता रहा, आज पहली बार इनकमिंग आ रहा है, मतलब कुछ पॉजिटिव है। कल जो मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया था उसका फायदा हो रहा है। हेलो, कहाँ हो? मैं बाहर हूँ। तुमसे अर्जेंट बात करनी है। बोलो ना। ओके, हाफ एन आवर में होटल ताज टेबल नंबर 9 पर आ जाओ। लेट मत करना। बाय। ओके बाय। हैं? अरे बाप रे, ये कैसे इशारे कर रहा है? ये कहीं वो तो नहीं है? क्या मुसीबत है यार। बाप रे, इसके हाथ आने से अच्छा है सुनामी में स्विमिंग कर लूं। इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम सॉफ्टवेयर हो क्या? लेकिन देखने में बड़े हार्ड हो। मैं सॉफ्ट हूँ ना? तुम तो फ्रेश हो गए। मैं फ्रेश होके आता हूँ। ऐसे काम तो फ्रेश होके ही करने चाहिए ना। मेरे दिल की बात कह दी, जा जाके फ्रेश हो जा। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है, देर मत करना। हाँ प्लीज। श्योर डियर। बाप रे, कहाँ फंस गया? उसने इसको छुआ होगा, हाथ धो लेता हूँ। हे भगवान, इस सॉफ्टवेयर से बचा ले मुझे। ये मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करेगा, कोई तो बचा लो।
कौन है रे तू? पुलिस का दिया हुआ ब्रीफकेस कहाँ है? पुलिस का और मेरा कोई संबंध नहीं है। अच्छा चुपचाप बता दे, कमिश्नर का दिया हुआ ब्रीफकेस कहाँ है? मैं समझा नहीं। जल्दी बता, बता। मेरी बात सुनो, मुझे कुछ मत करो, अभी वो ब्रीफकेस मेरे पास नहीं है, सच में। मैसेज भेजता है। अरे क्या छोटू, तू खुद को पहलवान समझता है क्या? मुझे पता चल गया कि तू कौन है। अबे सुन, वो सॉफ्टवेयर वालों ने मैसेज में बताया कि तू मस्त आइटम है, सो एंजॉय योरसेल्फ। मैं मेरे पर्सनल काम से बाहर जा रहा हूँ, दो दिनों बाद आऊंगा। उसकी कोई इम्पोर्टेंट ब्रीफकेस थी ना, वो मैंने उसके घर के बाहर रख दी है, तू ले लेना। चल बाय। घर के बाहर कहाँ रख दिया इसने? यहाँ नहीं है। जल्दी यहाँ से कल्टी मारता हूँ। ये वैलेट पार्किंग का जॉब भी कोई जॉब है? ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम। मैं भी पक गया हूँ यार। जरा इधर आइए। एक मिनट रुको। ठीक है। वरुण आया था? हाँ आया था। कब? हाँ अभी आया था, एक कार ड्रॉप करने गया है। वापस आएगा ना? अब नहीं आएगा वो। क्यों? वो इस जॉब को छोड़ के चला गया है। उसका एड्रेस मालूम है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? अच्छा, यहाँ एक बुलेट पार्क थी, वो कहाँ गई? ओ, तुम्हारी थी क्या? हाँ, वो मेरी थी। वो बुलेट तो वरुण ने किसी और को बेच दी। कितना? 20,000 में। 20,000 में? हाँ। अरे पैसा वसूल करने आया था, अपनी बाइक कमा बैठा, ऊपर से इज्जत जाते जाते बची, अब मर्डर का इल्जाम भी मेरे सर पे लग सकता है। मैं उस वरुण को छोड़ूंगा नहीं। कहाँ गया? लेट करोगे, लेकिन समय पर आ गए। हाँ, समय पे तो पहुंच गया। अचानक क्यों बुलाया? फोन पर तो मैं डर ही गया था। चिंता मत करो। हुँ? इसने अचानक ही प्लान बनाया था। अब वरुण, मॉम, डैड। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते। अब मैंने बताया था ना, ये वरुण है। अब ये आपके सामने है, आप खुद ही बात कर लीजिए। बैठो बेटा। सर। थैंक यू अंकल। वरुण, मैंने बता दिया है, तुम थोड़ा संभल के बात करना। अब डैड, यू गाइस कैरी ऑन, मैं आती हूँ। ये क्या बेटी, तुमने ही तो ये सब प्लान किया था ना, और अब तुम ही जा रही हो। मैं रुकूंगी तो मुझे ही बात करनी पड़ेगी, ये बात नहीं करेगा इसलिए। अरे क्या चुली, मुझे यहाँ अकेले फंसा कर तुम यहाँ से जा रही हो? रोड पे रिंग देकर प्रपोज करने से तो ये प्रपोज ईजी है ना। You guys take care. Bye-bye. Hey, क्या लोगे बेटा? As your wish, auntie. कितना पढ़े हो? वैसे कोई बड़ी डिग्री का क्वालिफिकेशन नहीं है अंकल। करते क्या हो? वैलेट पार्किंग ड्राइवर। क्या ड्राइवर हो?
वैसे आप लोग तो ऑटो ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर को ड्राइवर कह के उसकी बेइज्जती करते हो, और वही प्लेन चलाए तो पायलट कहकर उसे इज्जत देते हो। मेरी नजर में तो काम करके पैसा कमाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है अंकल। अब वन मिनट। हाँ जूली ने बताया तुम उससे प्यार करते हो, मैं कैसे मान लूं? अंकल आपने अभी मिनरल वाटर पिया है ना? यस। इसमें मिनरल कहाँ है दिखाइए। व्हाट? कोई भी मिनरल वाटर लेके आता है तो आप भरोसा करके उसे पी लेते हो, तो आपकी बेटी से मैं प्यार करता हूँ ये जानकर आपको भरोसा नहीं हुआ? गुड, मैं बेटी पे भरोसा करता हूँ, इसीलिए उसे कार पसंद हो तो कार खरीद के देता हूँ, ज्वेलरी खरीद के देता हूँ, उतना ही नहीं पपीज भी खरीद के देता हूँ, लेकिन सब तो नहीं दे सकता ना। सब नहीं सर, मेरी शादी उसे नहीं करा सकते। तुमने सही समझा, एजुकेशन नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, सेम कास्ट भी नहीं। आफ्टर ऑल वैले पार्किंग ड्राइवर से मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करा सकता हूँ, तुम ही बताओ। क्लियरली समझ गया, अब मैं क्या करूं बताइए। दादी, वरुण आपको पसंद आया ना? लड़का मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ओह, थैंक गॉड, मैं जानती थी आपको पसंद आएगा। तुम्हारे डैडी को वो पसंद तो आया, पर तुम्हारी शादी करवाने के लिए नहीं बेटा। क्या मतलब? मेरी बेटी के प्यार को बेचने के लिए तुम्हें कितना चाहिए? 10 लाख दे दीजिए। Are you sure? Sure, uncle. ये चेक लो, मेरी बेटी के बदले। अब कभी मेरी जूली के रास्ते में मत आना। लेकिन मेरी एक कंडीशन है अंकल, मैं आप दोनों पे भरोसा करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढकर या फिर अमेरिका में अच्छे से सेटल लड़के से शादी करा देंगे ये सोचकर मैं शांत नहीं बैठूंगा। जिस तरह मेरी जूली के अच्छे पिता हैं, अच्छी माता है, उसी तरह आज के बाद जूली का एक बहुत अच्छा लवर भी है, समझ लीजिए। तो हम सब लोग मिलकर एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी अच्छे से शादी करा देंगे, उसका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए ना अंकल, इसलिए अभी मैं उसी कंडीशन पे बात कट कर रहा हूँ। अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो तुम चिंता मत करो बेटा, अच्छा लड़का देख के शादी करा देंगे। तो फिर ठीक है, बाय, टेक केयर। अरे बाप रे, अरे वरुण, हमारे बैंक के क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड को साक्षी रखकर वसूली की कसम खाकर मैं तेरे पास पैसे वसूल करने आया तो मुझे हॉस्पिटल के बेड पर सुला दिया तूने। प्यार से पैसे मांगे तो मुझे मारा, अब बुरा बन के पैसे वसूल करूंगा तुझसे। आ रहा हूँ मैं वरुण, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे बेवकूफ, तेरी हालत क्या हो गई है जानता है? उड़कर जाते हुए तीर को मैंने जानबूझकर छेड़ दिया। अगर ये बात पुलिस को पता चल गई ना, है तू तो फिनिश हो जाएगा, लादेन फिनिश हो जाएगा। हेलो, ये खंबा ज्यादा पी लिया क्या? लादेन को कब का फिनिश कर चुके, ये तुम्हें पता नहीं है क्या? अबे एड़े, तेरा लादेन अलग है, मेरा लादेन अलग है, समझा क्या? मतलब मैं जिसे जानता हूँ वो लादेन और है, और भी एक लादेन है क्या? मैं इस बात को थोड़ा कन्फर्म करता हूँ, इसी से पूछता हूँ। पूछ ले।
आज वो मेरे हाथों से पक्का मरेगा। ऑलरेडी मर गया है वो। किसने मारा उसे? उसे तो मैं मारने वाला था। अबे यार फालतू की कॉमेडी करते हो। अमेरिकन ने उसे कब का मार दिया और तुम्हें उसको मारना? अमेरिका वालों ने मारा, मतलब इसने उनसे भी कर्ज लिया था। लादेन आतंकवादी तो था, वो कर्ज खोर भी था क्या? मतलब वो कर्ज लेता था और आतंकवाद भी करता था, इसीलिए तो उसको मार दिया। असल में तू किसकी बात कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम समझे नहीं क्या? ओसामा बिन लादेन। एक मिनट इधर। क्यों मारा? उसको अभी थोड़ा ही मारा है। मारा तो मारा भाई, लेकिन करेक्ट क्लैरिटी तो दे दो भाई। अब उस घोचो को तुम यही बात समझाओगे क्या? तुम यही रुको, मैं अभी उससे मिलवाता हूँ, तू यही पर रुकना। ये कहाँ चला गया? इसको बिना जाने जाना था तो मुझसे मेहनत क्यों करवा? इधर भी नहीं है। भाई वो कौन नहीं है? लादेन को वो जिंदा समझता है। हम मैं तेरे को समझाता हूँ। एक तो मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से तू लेक्चर दे रहा है मुझे। तुझे तो जूते से मारना चाहिए था, जूते से। ये जूता क्यों नहीं कर रहा है? वैसे भी पैसे वसूल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में हूँ। आज उसको नहीं छोड़ूंगा खत्म करके। क्या जिंदगी है, इधर पीने का और उधर बहाने का। ये है कि फोन नहीं उठा रहा है। हाँ सर। हाँ बोलो। एक घंटा पहले फाइव स्टार होटल का एक वैलेट पार्किंग वाला सुप्रीत को ड्रॉप करके गया है। इधर सुप्रीत की कार गायब है, उधर वो गायब है। आई थिंक उसे पकड़ेंगे तो इस केस के डिटेल्स मिलेंगे। ब्रीफकेस भी कार में ही होगा। नाम क्या है उसका? वरुण। वरुण? जी हाँ सर, आपके लोग जाने के बाद वहाँ जाकर पुलिस ने भी उस ब्रीफकेस को घर में छान मारा। मुझे भी वो ब्रीफकेस नहीं मिला। कार पार्किंग वाला उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार ले गया है। मे बी उस कार में ही वो ब्रीफकेस होना चाहिए। उसे पकड़ लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कौन है वो? वरुण। 24 घंटे के अंदर वो वरुण मुझे मेरे सामने चाहिए। गुड, बहुत अच्छे से वर्कआउट किया। लगता है कि आज होटल में जो कुछ भी हुआ इसके बाप ने इसको बता दिया। वर्कआउट किया मतलब? मेरे डैडी के साथ बिजनेस डील, बहुत अच्छे से वर्कआउट किया तुमने। और अपने प्यार के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए मांगे? तुमने मांगा होता तो मेरे डैडी हमारे प्यार के लिए मुझे भी तुम्हारे नाम कर देते। मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम वहां से निकले तब से हर पल तुमसे मिलना चाहती थी मैं। बर्थडे पे तुमने गिफ्ट दिया तो मुझे लगा कि तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो। पूरी रात मैं तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुमने मुझे छुआ तक नहीं। लगा तुम सच्चा प्यार करते हो। ये सब देख के कोई भी लड़की इसे प्यार ही समझ बैठेगी, और मुझे भी वैसा ही लगा। तुमने मुझे धोखा दिया। क्या कहा? बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो। मैंने कहा तुम्हें धोखा दिया? किसी को धोखा नहीं दिया है मैंने, बल्कि मैं खुद ही धोखा ना खाऊं इसलिए मैंने बचा लिया खुद को। एक लड़का एक लड़की को देखकर, लड़की के प्यार में पड़कर, पीछा करके, उसकी पसंद नापसंद जानकर, उसके करीब जाने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को भुलाकर हर पल उसे कैसे इंप्रेस करूं यही सोचता रहता है, ट्राई करता है, हर पल बस उसी के बारे में सोचता है। हमारा करियर, हमारा फ्यूचर तुम लोगों के प्यार के लिए दांव पर लगाकर तुम लड़कियों के पीछे पड़े तो तुम लोग क्या करती हो? डैडी तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। मेरे सोना, मेरे जानू, हमारी शादी के लिए मेरे माता पिता को कन्विंस कर पाओगे? और बहुत आराम से तुम लोगों के माँ बाप हमारा इम्तिहान लेते हैं, और ये बाप लोग उतनी ही आसानी से मेरी बेटी के लिए तुम सही नहीं हो कहकर तुम जैसे लावारिस के साथ मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कराऊंगा कहते हैं।
असल में हम लावारिस होते हैं बस तुम्ही लोगों की वजह से। और उसी जगह अगर हम लड़के अच्छी स्टडी और अच्छा जॉब करने लग जाएं तो हमारे साथ प्यार का नाटक करने के लिए तुम लड़कियां हमारे पीछे पड़ जाती हो। तुम लोगों का प्यार पाने के लिए हम ही को पीछा करना पड़ता है। तुम लोगों के पेरेंट्स से मिलने के बाद हम ही तकलीफ उठाएं। अगर पहले वाला लड़का ना मिले तो दूसरे के साथ शादी करके एडजस्ट कर लेती हो। और हमारा क्या, गालों पर दाढ़ी, हाथ में शराब की बोतल लेकर हम तो गली के आवारा आशिक बन जाते हैं। अब देवदास वाले दिन चले गए, समझ गई ना? तो फिर मेरा प्यार पाने के लिए पीछे क्यों पड़े थे? वही तो, अभी भी वही बता रहा हूँ। मैं ही पीछे पड़ा था, मैंने ही प्यार किया था, मैं ही इनकार कर रहा हूँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुमने ही प्यार किया, तुम ही पीछे पड़े, इतना ही ना? प्यार का सौदा करके एक नया लॉजिक बता रहे हो। थैंक यू, बाय। कौन हो बे तुम लोग? आप लोग कौन है सर? चुपचाप ब्रीफकेस दे दे। चार पुराने कपड़े, दो बनियान और दो चड्डियां, ये ब्रीफकेस लेकर आप क्या करेंगे सर? अच्छा, जोक था। चुपचाप मुझे वो कार वाला ब्रीफकेस दे दे। उसके बारे में मैं नहीं जानता सर। ये जानने के लिए मैंने बुलेट वेस्ट की। मैं कुछ करता हूँ, एक फोन कॉल करने दीजिए ना सर। ओके, कर ले। बाप रे, मैं इसे कॉल कर रहा हूँ और ये मुझे कॉल कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। बहुत होशियार है ये, चौकन्ना रह के बात करनी पड़ेगी। हेलो भाई, मैं वरुण। हाँ भाई बोलो। भाई वो ब्रीफकेस तुम्हारे पास ही है ना? मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। एड्रेस बताओ, किधर लेके आने का है? प्लॉट नंबर 401, कृष्णा रेसिडेंसी, नागार्जुन नगर। ओके, अब बताता हूँ तेरे को मैं। मेरी 2 लाख की बाइक 20,000 में बेच दी तूने। आता हूँ बेटा, तेरी बॉडी के पार्ट्स बेच करके अपनी गाड़ी की रिकवरी करूंगा। आता हूँ बेटा। मौत हो चुका और मर्डर पक्का है, आ रहा हूं मैं। लगता है भाई आ गया है, आप जाकर दरवाजा खोलिए ना। ए बेवकूफ, समझाया क्या? हम दोनों को भेज के तू भागना चाहता है क्या? ए हाँ भाई, दरवाजा खोल। अबे मेरी 2 लाख की बाइक 20,000 में बेच दी, क्या सोच के बेच रहे? क्या समझता है अपने आप को? बहुत बड़ा घमंड समझता है? मेरी बाइक मुझे धोखा देगा? ना दे तो धोखा देगा। अबे दरवाजा खोलते ही कपड़े धड़क के मेरी पिटाई कर दी तूने। ब्रीफकेस कहाँ है बे? वो मुझे मेरी बाइक देगा, मैं तुझे ब्रीफकेस दूंगा। कौन सी बाइक? मेरी 2 लाख की बाइक 20,000 में बेच दी इसने। बाइक चाहिए कि जान चाहिए? बाइक चाहिए। ए, ब्रीफकेस देगा कि तेरे भाई को ठोक दूं? भाई ये मुझे मार देगा, इनका ब्रीफकेस इनको दे दो वरना बहुत बड़ा पाप लगेगा भाई। ओहो। ए, ब्रीफकेस देगा या इसकी लाश लेगा बोल। ये कौन है इस समय दरवाजे में सोया? अबे वो सोया नहीं है बे, मेरे हाथों से उसे सुला दिया तूने। तू यहाँ क्यों है बे? इसने बैंक से कर्ज लिया था, वही वसूल करने आया हूँ। अबे मेरे पैसे कब देगा तू? पास आएगा तो इसको ठोक दूंगा। ठोकना है तो ठोक दे इसको, लेकिन मेरे पैसे देने के बाद ठोकना। उसे ठोक देगा तो मूल भी जाएगा, सूद भी जाएगा। हाँ तो मैं क्या? ए मेंटल, पास मत आ नहीं तो ठोक दूंगा। अबे उसको ठोक देगा, समझ में नहीं आ रहा है क्या तुझे? आइडिया, एक मिनट। अबे इधर क्यों आ रहा है? आइडिया तो बताओ ना मुझे।
वो तू मुझे बताएगा या मैं तुझे बताऊं? अरे बाप रे, अरे वो तो मार रहा है या उसे मार कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ए भाई तू झगड़ा बाद में कर, पहले मेरे पैसे लौटा दे फिर मैं चला जाऊंगा, तेरे के तो पैसे देने। ये क्या किया? जब गोली तुझे चलानी थी तो मेरे हाथ से क्यों मरवाया? वैसी बात नहीं है भाई, एक को मारो या दो को मारो सजा तो एक ही मिलेगी ना भाई। चलो चलते हैं। अबे तूने मुझे प्रोफेशनल किलर बना दिया बे। अरे बाप रे। वो बहुत डिसअपॉइंट हो चुकी है, अब क्या करें? कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा। हम लोग उसकी शादी करवा दें क्या? शादी? शी इज माई डॉटर। वो ऐसी बातों से परेशान होकर हार के शादी नहीं करने वाली। यू हैव टाइम डैडी। यस बेबी। आपके यूएस जाने से पहले मेरी शादी करा दो। ओके, करा देंगे। हाँ डैडी, एक अच्छा सा लड़का देख के मेरी शादी करा दो, ऐसी सलाह जिसने दी थी ना उसी से मेरी शादी होनी चाहिए, वो भी एक हफ्ते के अंदर मेरी शादी हो जानी चाहिए। वो तो बच्ची है जी, गुस्से में शादी की बात कर रही है, पर आप तो समझदार हैं, आपने उसे समझाया क्यों नहीं? वो अपना अतीत भूलने के लिए नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। Let us support her. क्या हुआ? सुलेमान के पीछे पड़ने के बाद भी वो हाथ नहीं आ रहा है। वो सुलेमान सुप्रीत पर अटैक करेगा ये बात मुझे पहले से पता थी, इसीलिए एक पावरफुल पुलिस ऑफिसर को अंडरकवर कॉप बना के अपॉइंट किया है, और वो ये है। सो यू कैन लीव दिस केस, ही कैन हैंडल इट। ओके ओके सर। कितना टेंशन था सर, ये पुलिस ऑफिसर है ये पहले ही बता देते आप। ये पुलिस ऑफिसर नहीं है। लेकिन अभी तो आपने सबके सामने बताया। जो बात सिर्फ हम जानते हैं वो सुलेमान को कैसे पता चल जाती है? सुप्रीत पर ब्रीफकेस के लिए कैसे अटैक हुआ? जरूर हमारे डिपार्टमेंट में से ही उसे कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब ये पुलिस वाला है ये बात भी उसे पता चलेगी। ये पुलिस वाला नहीं बल्कि एक पार्किंग वाला है, जब तक ये बात उसे पता चले हमें उससे ब्रीफकेस हासिल करना होगा। ओके सर। ये कौन है? इसके फिंगरप्रिंट सुप्रीत के घर के फिंगरप्रिंट से मैच होते हैं सर, छोटे छोटे केसेस में कई बार अंदर हो चुका है। लेकिन ये वहाँ क्या कर रहा था? सर, हमने जिसे अपॉइंट किया था उसे रोज मर्दों की जरूरत पड़ती थी, वैसे ही इसे भी बुक किया होगा। ओके, तुम दोनों को 1 वीक लीव दे रहा हूँ, इसी 1 वीक में तुम लोग कैसे भी उस पार्किंग वाले से वो ब्रीफकेस लेकर आओगे। ओके सर। बट बी केयरफुल, हम ये बात जानते हैं, ये किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके ओके सर। ऑल द बेस्ट। राइट सर, राइट, बाय। मैं तुझे इतनी आसान मौत क्यों दूं? इस ब्रीफ केस के लिए वो माफिया वाले तुझे तड़पा तड़पा के मारेंगे। वो तुझे भी जानते हैं और तेरा एड्रेस भी जानते हैं। वो लोग तुमको भी मार देंगे भाई। मुझे? मुझे क्यों मारेंगे? मैं कौन हूं वो तो जानते ही नहीं है। तुम ब्रीफ केस लेकर मेरे घर आ रहे थे, उसी बीच उनको थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए मैंने तुम्हारे बारे में बोल दिया था भाई, और उन्होंने ये सब अपने बॉस को फोन करके बता दिया, तो वो तुमको जानते हैं। हाँ तो अब क्या करेंगे? पहले वो ब्रीफकेस खोलकर उसके अंदर क्या है वो देख लेते हैं भाई। अरे बात बात पे गन लादे मत बोलना, डर लगता है भाई। मैं छोटे मोटे सेटलमेंट करता हूँ, लेकिन तेरे चक्कर में मर्डर करने वालों की रेंज में आकर खड़ा हो गया हूँ। ए तेरे हाथ जोड़ता हूँ, उस ब्रीफकेस में क्या है देख, देखना। अरे देखना। ये ऐसे नीचे नीचे। हद हो गई, एक लैपटॉप के लिए इतने सारे मर्डर्स।
भाई एक मिनट पकड़ो। हेलो। देखो वरुण, तेरे पास ब्रीफकेस है ये मैं जानता हूँ। वो ब्रीफकेस मुझे देगा तो मैं तुझे 2 करोड़ दूंगा। 2 करोड़? हेलो हेलो, जरा फिर से बताओ। वो ब्रीफकेस मुझे देगा तो 2 करोड़ दूंगा। पूछो पूछो पूछो, कहाँ 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 पूछो। ओके, कहाँ आना है मुझे? कल मॉर्निंग 10:30 गोवलकोंडा कोर्ट। ओके ओके, बोलो। ओके ओके, डील। ओके डील। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। भाई सुन, 50-50 है, है? वो तो ठीक है, ब्रीफ के संभालो। कहाँ छोटे मोटे सेटलमेंट करके जीने वाला, एक ही शॉट में लेट्स पार्टी। ब्रीफ केस कहाँ है? या ना केस है ना ब्रीफ केस है। हाँ, अरे बाप रे, पुलिस हो? कौन है बे तू? और मेरे भाई को क्यों मारा तूने? इतनी हिम्मत है क्या तेरे में? लेकिन भाई तुम क्यों इतने कूल बैठे हो? अच्छा तुम कूल ही रहो, मैं इनको धोता हूँ। तेरी तो कौन है सर आप? पूछ रहा है ना, बोलो बोल ना। अपने बाप लोग है, पुलिस वाले लोग है ये। पुलिस वाले? ब्रीफकेस कहाँ है? आप ऐसे गन पॉइंट पर पूछेंगे तो कैसे बता सकता हूँ? थोड़ा आराम से बैठकर ब्रीफकेस कहाँ है बताता हूँ, आपका काम भी हो जाएगा। चल, सही कह रहा हूँ। उधर ब्रीफकेस बाहर रखा है सर, बार में अलाउड नहीं है ना, इसीलिए। आइए आइए आइए। चल चल भाई, पकड़ो। हेलो खान साहब। आ जाओ। ए इंस्पेक्टर, तो ड्यूटी सही से कर नहीं सकता ये बात मैं समझ चुका हूं। तो एक काम कर, 10 दिन मेरे लोगों के साथ घूम, थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। अब तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कार पार्किंग वाले वरुण से मेरी बात हो चुकी है, कल मॉर्निंग 10:30 को मेरा लैपटॉप मेरे हाथों में होगा। अब तो जाके स्टेशन में आराम से सो। खान साहब, कल मॉर्निंग 10:30 को वो लैपटॉप आपके हाथ में नहीं होगा, बल्कि आप सब लोग जेल में होंगे। क्या हुआ? उस कार पार्किंग वाले को क्या समझ रहे हैं आप? आप सबको अरेस्ट करने के लिए कमिश्नर ने अपॉइंट किया हुआ अंडरकवर कॉप है वो। कल लैपटॉप लेने के लिए आप उसके पास जाएंगे तो आप सबको अरेस्ट करके जेल में डाल देगा। थोड़ा तो सोचिए, मैं आपके पास सिंसियरली ड्यूटी कर रहा हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। खुद को बचाइए, ओके? ये सारा कमिश्नर का मास्टर प्लान है। मैं समझ गया, मैं सब कुछ अच्छे से समझ गया। उसका प्लान उसके पास है तो अपना प्लान अपने पास है। कल वो हमें अरेस्ट करने के लिए आ रहा है ना, उसे मारकर अपना लैपटॉप हम ले लेंगे। अब वो कमिश्नर भी जान जाएगा कि ये खान कोई मामूली प्यादा नहीं। एनीवे, यू हैव डन अ गुड जॉब। थैंक यू, कीप इट अप। बाप रे, हेलो बेटा, मैं जूली का फादर। हाँ बोलिए अंकल। बेटा, जूली के लिए रिश्ता देखने की सोच रहा था, तुमने कंडीशन रखी थी ना कि अच्छा रिश्ता देखकर ही शादी करानी है, इसीलिए तुम साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा। ओके अंकल। चाहे आप या चाहे मैं, उसका फ्यूचर अच्छा हो बस यही उम्मीद करते हैं। एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी करा देते हैं। ओके बेटा। हाँ ओके अंकल। हैं? किसे? अरे खान को। खान को क्यों? अरे कोर्ट में आने के लिए बोला ना उसने। अरे ओ मेरे भाई साहब, अब तक लैपटॉप के पीछे वो अकेला खान ही पड़ा था ऐसा हमें लगता था। हाँ? अब तो पुलिस भी उसके पीछे पड़ी है, हम जान गए हैं। अच्छा तो फिर? तो फिर क्या भाई, ये लैपटॉप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? इसलिए हम 2 करोड़ क्यों मांगे, 4 करोड़ मांग सकते हैं ना। भाई तुम सुपर हो भाई। हाँ? खान को फोन करो और अपनी डिमांड बढ़ा दो। उसी पुलिस वाले का फोन आ रहा है, स्पीकर ऑन करके बात कीजिए। हाँ बोल। मिस्टर खान है, गोलकोंडा कोर्ट में मैं तुम्हें लैपटॉप नहीं दूंगा। मैंने बोला था ना वो लैपटॉप नहीं देगा, अब बात कीजिए। क्यों, प्लेस चेंज कर रहे हो क्या? सिर्फ प्लेस ही नहीं, रेट और टाइम भी चेंज कर रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि पुलिस भी उस ब्रीफकेस के पीछे है, इसलिए अब उसका रेट 4 करोड़ हो गया है। 4 करोड़ मुश्किल है? 4 करोड़ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं जानता हूँ। इसलिए तुम्हें 4 दिन के बाद मैं वापस कॉल करूंगा, पैसे तैयार रखना। हेलो हेलो हेलो।
ये क्या है? क्या कर रहे हो भाई? सिम क्यों निकाल रहे हो? पुलिस ने हमें कैसे ढूंढा समझ में नहीं आया, अपना फोन ट्रेस कर रहे हैं वो लोग। अब पुलिस तो ठीक है, लेकिन खान हमें कैसे कॉन्टेक्ट करेगा? 4 दिन का टाइम दिया है ना, तब ये ऑन कर लेंगे। अब चलो। अब कहाँ? मेरी लवर के लिए रिश्ता ढूंढना है। लवर के लिए तुम रिश्ता ढूंढ रहे हो? पुलिस ने कहीं हमें ढूंढ लिया तो क्या होगा? असल में मैटर क्या है जानते हो भाई? हैं? समझ गए ना? हैं? बाकी सबके लिए रिटायरमेंट होती है, हैं? मेरी लवर के लिए नहीं होती। ओ? मरते दम तक बस उसे खुशी देखना चाहूंगा। अब चलो। मैं समझ गया, चलो। ये प्रोफाइल देखिए, इस लड़के का क्वालिफिकेशन और हमारी बेटी का क्वालिफिकेशन बिल्कुल मैच हो रहा है, और हमारी कास्ट का भी है। कहाँ जात पात देख रही हो? इधर देखो, लड़का न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है, हमारे स्टेटस को करेक्टली सूट करता है। तुम बोलो बेटी, दोनों में से कौन बेस्ट है? आप देख लीजिए डैडी, आपको पसंद हो काफी है, मुझे अपने सिलेक्शन पर अब भरोसा नहीं रहा। एक और रॉन्ग चॉइस करने की अब हिम्मत नहीं है। आप जिससे कहेंगे उससे खुशी खुशी शादी कर लूंगी। बेटा तुम बताओ, दोनों में से जूली के लिए कौन सा लड़का अच्छा है? तुम ही बताओ बेटा, कास्ट देखे बिना रिश्ता जोड़ देंगे तो चलेगा क्या? वैसे ये दोनों सामने लैपटॉप रख के क्या बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैटर क्या है? समझ में नहीं आ रहा है भाई, ऑनलाइन ही दूल्हे का ऑर्डर किया जा रहा है। मतलब ऐसे रिश्ता नहीं देख सकते? आजकल तो सब लोग ऐसे ही देखते हैं। देख सकते हैं अंकल, इस कंप्यूटर में लड़के का चेहरा, एड्रेस, वो क्या करता है, उसका कुल, गोत्र, सब कुछ है अंकल। लेकिन वो कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, पता चलता है? आपने जो बोला वो एकदम करेक्ट है, जाति एक हो तो बहुत अच्छी बात होती है, आपका स्टेटस मिले तो रिच लेवल पे शादी कर सकते हैं। लेकिन वो लड़का कैसा और हमारी जूली की अच्छे से देखभाल करेगा या नहीं, आपकी बेटी उस घर में खुश रहेगी, आप बता सकते हैं? तो फिर क्या करें, 1 वीक का ही टाइम है, वैसे भी ये कोई मामूली रिश्ते नहीं है, ये लड़के अच्छे से सेटल्ड हैं। गलत बात है अंकल, आपकी बेटी की शादी है, हर एक पिता बेटी को अच्छा रिश्ता मिले इसलिए कितने सारे रिश्ते ढूंढता है, अच्छे से सेटल लड़का देखकर बड़े लेवल पर शादी करके पिता के फर्ज से मुक्ति पाना चाहता है, ऐसा ही होता है ना अंकल? बात फर्ज की नहीं है, शादी के बाद हमारी जूली हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे, ऐसा रिश्ता देखकर ही शादी करानी चाहिए अंकल। वरुण तुमने जो बताया वो बिल्कुल सही है, वैसे मेरे रिश्तेदार बहुत कम हैं, वो होते तो मैं ऐसे इंटरनेट और मैरिज ब्यूरो के पीछे नहीं जाता, मेरी रिश्तेदारी में ही अच्छा रिश्ता देख के शादी करा देता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अंकल, पिछले हफ्ते मैंने एक लड़के को देखा है, उसके बारे में मैं डिटेल्स निकालता हूँ ना, आप भी एक बार देख लीजिए। अच्छा कौन है ये लड़का? बेटी तुम्हें पुण्य मिलेगा, इसे भर्ती कर लो बेटी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। भेज दिए ना डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को भर्ती कर लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये मर जाएगी, इन्हें बोलिए ना भर्ती करने। नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ डॉक्टर साहब, बेटी भगवान के लिए भर्ती कर लो, मेरी बेटी की जान बचा लो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, वो मर जाएगी। गुड मॉर्निंग, क्या बात है माँ जी? यहाँ मेरी बेटी की जान जा रही है, पैसे नहीं है इसलिए ये लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं, अब आप ही नहीं कहिए कि ये लोग इसे भर्ती कर ले, पैसे मैं भर दूंगा। ओके सर। नर्स इनको वार्ड में ले जाइए, भगवान आपका भला करे डॉक्टर साहब। जाइए माँ जी। यही बात थी, वो अपना फर्ज जानता है अंकल, उसने उसके गांव के लिए वहीं पर एक हॉस्पिटल खोल के रखा है, वो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है अंकल, वो लड़का अगर आपको ठीक लगे तो जूली की शादी करा देते हैं ना। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो फ्री में सर्विस दे रहा है, वो सब तो ठीक है, पर ऐसे में कितने दिन वो मेरी बेटी को खुश रख पाएगा? बेटी यानी जिगर का टुकड़ा कहकर चंद डॉलर्स कमाने के लिए आप तो ज्यादातर समय यूएस में ही बिता देते हैं, लेकिन अपनी जूली के लिए अपना देशी सबसे बेहतर है अंकल, अपने खुद के गांव के लिए इतना कुछ करने वाला अपनी पत्नी के लिए क्या कुछ नहीं करेगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं अंकल। पीते पीते जरा आराम से सोचिए, अभी तो एक ही पैग हुआ है, एक और बनाइए फिर सोचिए, बनाइए।
क्रेजी मीटिंग। या अंकल ने ऑलरेडी मेरे बारे में आपको बताया है ना? या डैडी टोल्ड मी अबाउट यू। यू आर लुकिंग गुड। देखा अंकल, दोनों कितने अच्छे से सेट हो चुके हैं। आपकी स्माइल तो और भी खूबसूरत है। सही कहा। उप्स। गो एंड वॉश इट। या एक्सक्यूज मी। सॉरी। थैंक यू। सॉरी बोलने के लिए नहीं, धक्का देने के लिए। मैं भी थैंक्स बोलने आओ क्या? यू इडियट। क्या बकवास कर रहा है? यहाँ पर क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन कन्फर्मली गलती हमारी है। ओके, ना छोड़िए। मैं बात कर रहा हूँ। अरे भाई प्लीज छोड़िए। क्या आप आइए ना, आइए। चलिए ना भाई, प्लीज भाई। चल। बाय बाय बेटा। अंकल आप जाइए, अंदर मेरा पर्स छूट गया है, मैं लेकर आता हूँ। ओके। ए, तुम लोगों में से पहले गलती किसने की बताओ? हैं? क्या बोल रहा बे? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा बे? क्या हुआ जी? अंदर मैं स्पेक्स भूल गया, अभी आता हूँ। ठीक है। चलिए अंकल। बेटा, मेरी बेटी को तुम अब तक भूले नहीं ना? पैसे देंगे तो वो खुद को भी भूल जाएगा। लगता है आपने कुछ पैसे बैलेंस रखे हुए हैं, याद कीजिए वरना ये जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। भाई बोलो भाई। इतने दिन मेरे साथ घूमने के बाद भी तुम इतने सेफ क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बाप रे। अंकल प्यार से मेरे साथ बात कर रहे हैं, अच्छे से मेरी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, तो बीच में अपनी फीलिंग्स घुसाना जरूरी है क्या? ओके। और मैं आपकी बेटी को कैसे भुला सकता हूँ अंकल? वो तो मेरी धड़कन है अंकल। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, बी केयरफुल, फाइन। अभी आपने जैसे थामा था ना, फर्स्ट टाइम आपकी बेटी को देख के जब मैं प्यार में पड़ा था, किसी ने मुझे ऐसे थामा होता तो बहुत अच्छा होता अंकल। भगवान तुम्हारा भला करे। वही खाना बांटने वाला हाथ थामकर सात फेरे लेने की सोच रखी थी अंकल, लेकिन वो इस जन्म में मुश्किल। ओह वेरी सैड। वन मिनट। अगले जन्म में आप कितने भी करोड़ दो, मेरे प्यार को खरीद नहीं पाओगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं बेचूंगा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। हेलो बॉस, मैं वरुण बोल रहा हूँ। बोलो। क्या 4 करोड़ की डील ओके है ना? 4 करोड़ नहीं, 6 करोड़ दूंगा। मुझे वो लैपटॉप चाहिए।
मैं पैसे का लालची नहीं हूँ भाई, बस एक बात बोल देता हूँ, एक बार प्रॉमिस करता हूँ ना तो मैं खुद के भी नहीं सुनता भाई, मैं बड़ा सेंटिमेंटल आदमी हूँ भाई। तो फिर पैसे कहाँ लेके आने हैं बताओ, मेरे अड्डे पे ही आओ ना। तुम्हें कैश चाहिए, चेक चाहिए या गोल्ड चाहिए, डायमंड चाहिए, बताओ क्या चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, नो प्रॉब्लम। वेट वेट वेट, मिस्टर सुलेमान खान, तुम मांगोगे तब दूंगा तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी मर्जी से मैं दूंगा तो मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। मैं क्या तेरे पैर पकड़कर तुझसे लैपटॉप मांगू तब तुझे सेटिस्फेक्शन होगा? आवाज ऊंची मत करो भाई। तू कहाँ है, मैं जान गया हूँ। अब तू मेरे हाथ लग गया है, तू जरा पीछे मुड़ के देख, तब पता चलेगा। सुलेमान के लोग आ रहे हैं, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? आप अभी भी नहीं समझे भाई, वो हमारी पिटाई करने आ रहे हैं। तो अब हम क्या करें? अब करना क्या है, चलो भागो। भागो, पकड़ो उन्हें। और कितना दौड़ाएंगे ये लोग? आइडिया। नमस्ते भाई साहब। हाँ नमस्ते, कैसे हैं, ठीक ठाक? ए, यहाँ से एक आदमी भागते हुए गया, देखा क्या? कैसा था? छिले हुए नारियल की तरह, खुजली वाले चूहे की तरह, सफेद बंदर की तरह था। ए? मैं तेरे को सफेद बंदर दिखता हूँ बे? इधर ये आजा। उधर जाके देखो। अब कहाँ भागेगा? ए, एक बार पीछे अपने भाई को देख ले, अगर वो लैपटॉप नहीं दिया तो मैं इसे उड़ा डालूंगा। भाई दिल में कुछ मत रखो भाई, 50-50 बोला था ना, 80 तुम रख लो, 20 मुझे दे देना, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। भाई टेंशन में तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम जाओगे तो 100% मेरा ही होगा। ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। ओ भाई, अबे नाटक कर रहा है मेरे साथ? भाई ऐसे मत देखो, बहुत डर लग रहा है भाई। तेरे भाई को ही तेरी जरूरत नहीं है तो हमें तेरी क्या जरूरत है? वैसे भी इस दुनिया में हमारे बारे में जानने वाला जिंदा नहीं रहता है। भाई वो चार पुलिस वाले को लेकर तुम्हारे पास ही आ रहा है, तुम लोग जल्दी से वहां से निकलो। अरे मुझे बेवजह में क्यों पकड़ा हुआ है? पुलिस हो? यस। ठीक है वैसे ही पकड़े रहो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। आई एम सिंसियर पुलिस। ओह सिंसियर पुलिस हो, आपको अच्छा लग रहा है तो फ्री में पकड़े रहिए। ये तो उस टाइप का है। छी, मैं वैसा नहीं हूँ। वैसे नहीं हो मतलब? तो जरा उस तरफ देखो, मैं निकल लूँ। बाय बाय, करो पीछा, करो शाबाश। थैंक्स भाई, समय पर आकर मुझे बचा लिया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मतलब उन्होंने तुमको मारा नहीं क्या? क्या मतलब, तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आए थे? पागल हो क्या? आगे गया तो पुलिस पीछे पड़ गई, उनकी वजह से मैं वापस लौट आया, और उनको लगा कि पुलिस मैं लेके आ गया इसलिए वो भाग गए। कितना कमीना है रे तू, तुझ पे भरोसा किया होता तो अब तक ऊपर जाके एम के साथ 20-20 मैच खेल रहा होता। चल जाने दे, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी दे पीने के लिए। हां पियो ना। भैया हम लोग नेकलेस रोड रेलवे स्टेशन पर है, ये उनको कैसे पता चला? शक की निगाहों से मत देख बेटा, मौत को करीब से देखकर मौत के चंगुल से छूट कर आया हूं। हैं? हाँ, अनाउंसमेंट सुना ना? हाँ। ओ, अब देखो कैसे मजा चखा। अच्छा? हेलो। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन, बहुत घटिया हरकत की है तूने। अब मैं टाइम नहीं देने वाला, मैं कब फोन करूंगा इस टेंशन में तुझे वेट करवाऊंगा, और अब यही तेरी पनिशमेंट है। हेलो हेलो,
मैं सबको वार्निंग देता हूँ और ये कौन है जो मुझे वार्निंग दे रहा है? तू, स्टूपिड्स! ये सब तुम लोगों की वजह से। उसे मारकर लैपटॉप लाने के लिए बोला तो हाथ हिलाते हुए वापस लौट आए। जाओ 6 करोड़ रुपए डाल के बैग को तैयार करो, सर के फोन का वेट करेंगे। कौन है बेतू? सब कुछ ठीक है ना पंडित जी? ऐसे नारियल नहीं, सूखे नारियल चाहिए थे। बेटा सुनो। जी आंटी। पंडित जी बुला रहे हैं, जरा देखो क्या है। हाँ आंटी, ये लीजिए। सूखे नारियल और चाहिए कह रहे हैं। अरे भाई इधर आओ। हैं? आओ ना भाई। क्या है? जाके सूखे नारियल लेके आओ। मैं चाय के कप धोने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सूखे नारियल लाने बोल रहा हूँ। बस सूखे नारियल। अरे जाओ ना भाई। अरे जाता हूँ। आंटी वो आगे। आइए आइए आइए। नमस्ते। आइए नमस्ते। 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 हेलो। हाय हाय। नमस्ते। नमस्ते। भाई साहब कहाँ हैं? डॉक्टर्स और पुलिस वालों के पास टाइम ही कहाँ होता है। एक अर्जेंट कॉल आया था इसीलिए हॉस्पिटल गए हैं। मुहूर्त तक आ जाएंगे वो। बेटी शादी के कपड़े ले आओ। वरुण बेटा ऊपर बेडरूम में रखे। जा लेकर आ। तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। जिस लड़की से प्यार करते हैं उस लड़की का अच्छे घर में रिश्ता होने जा रहा है, तो किसी भी लवर के लिए ये खुशी की बात होगी ना? तुम बहुत अच्छी बातें करते हो वरुण। उस दिन भी अच्छी बातें कर रहे थे तुम। क्या कहा था? प्यार में तो लड़के पढ़ते हैं, हम लड़कियां तुम्हारे प्यार से खिलवाड़ करती हैं और पता नहीं क्या क्या। तुम क्या जानो हमारे बारे में? हमारी एक छोटी सी दुनिया होती है, मॉम डैड भाई बहन, कभी कभार घर आने वाले रिश्तेदार। सब लोग बच्ची समझ के वैसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं वैसे, ऐसे समझाते रहते हैं। बहुत से लोगों से सारी बातें नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। तुम लोग कुछ भी करते हो तो उस लड़की के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। इतनी छोटी सी दुनिया में इतने सारे बंधनों में बंधी हुई एक लड़की, जब एक लड़के से मुझे प्यार है ऐसा कहती है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इससे ज्यादा तुम लड़कों के लिए और क्या करना चाहिए? हाँ तब क्या कहा था? मैंने ही प्यार किया, मैं ही मना कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यही कहा था ना? 1 घंटे में तुम सब समझ जाओगे। मैंने तुमसे कभी सच नहीं कहा, पर वो सच आज कहूंगी। तुमने मना किया तुम्हारे प्यार को नहीं, तुमसे ज्यादा तुमसे प्यार करने वाली मेरे प्यार को। समझ में नहीं आया ना? तुम मुझसे 1 साल से प्यार कर रहे हो ना, लेकिन मैं तुमसे 2 साल से प्यार कर रही हूं। अभी भी समझ में नहीं आया ना? सालों से मैंने तुमसे कितना प्यार किया है उसकी जानकारी है इसमें। सॉरी सॉरी, तुम्हारे लिए ये सबूत है। गेट लॉस्ट फ्रॉम माय लाइफ, गेट लॉस्ट। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर्स पर लोग फ्लावर्स देते हैं, कार्ड्स देते हैं, और तुमने डायरी दी है। वैसे भी मुझे डायरी लिखने का शौक नहीं है। फ्लावर्स दूंगी तो डस्टबिन में डाल दोगी, कार्ड दूंगी तो कबर्ड में रखोगी, इसीलिए डायरी दी है। डायरी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी ना? वो तो सही है, लेकिन इसमें 1 पेज लिखने के लिए भी मुझे कितने दिन लगेंगे पता नहीं।
प्लीज प्लीज मुझे बैठने दो ना, प्लीज प्लीज। अंकल क्या बात है अंकल, भाई सारे बाराती कहाँ चले गए? असल में इस घर में क्या हो रहा है? क्या कहा था तुमने, लड़का कोई भी हो शादी हर हालत में तुम्हारे सामने होनी चाहिए। और क्या कहा था कि आप अच्छा रिश्ता देखकर शादी करा देना इसकी। असल में तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है ये मेरी समझ से बाहर है। बहुत सोचने के बाद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर इतने दिनों से इसके साथ घूम रहा हूँ, मैं समझ नहीं पाया, आप क्या समझेंगे सर। जाने दीजिए डैडी, मैंने पहले ही कहा था ना। तुम एक मिनट चुप रहो बेटी। लोग अपने माँ बाप को बोझ समझ के अनाथ आश्रम में भर्ती कराते हैं और तुम पिछले कई सालों से अपनी माँ की देखभाल कर रहे हो। उसे बचा लिया तुमने, निश्चित ही तुम एक अच्छे लड़के हो। लेकिन इसके बावजूद तुम्हें जान से ज्यादा चाहने वाली मेरी बेटी को तुमने पैसे के लिए दूर कर दिया। तुम्हारी माँ का अभी अभी ऑपरेशन करके आ रहा हूं। शाम को 5 बजे फिर okay. एक बार इंजेक्शन दे। ओके डॉक्टर। असल में बात क्या है, उस दिन एक्सीडेंट में मेरे पिताजी वहीं गुजर गए। बेटा मैं जो बताऊंगा वो समझने लायक तुम्हारी उम्र नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी ऑपरेशन करके हम तुम्हारी माँ को बचा तो लेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे। फिर भी तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी, यानी माँ तुम्हें खाना नहीं खिला पाएगी, तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगी, तुम्हें स्कूल भी नहीं ले जा पाएगी। माँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि तुम्हारी माँ का फ्यूचर अभी बेड पे है। तुम्हारा बड़ा बंगला है, कार है, पैसे हैं, वो सब तुम्हारे फ्यूचर के लिए जरूरी है। बात को समझो बेटा, वैसे ये ऑपरेशन फेल भी हो सकता है। अंकल मुझे बड़ा बंगला नहीं चाहिए, कार भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, आप सब कुछ ले लीजिए लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए अंकल। माँ को ठीक करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया अंकल, इतनी मेहनत करने के बाद एक दिन हॉस्पिटल से कॉल आया, माँ माँ
बाद मेरी माँ कोमा से बाहर आई थी और अपने बेटे को ही ठीक से पहचान नहीं पा रही थी। एक पराए आदमी की तरह देख रही थी। मेरी माँ मुझे पहचान ले इसलिए फौरन से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, ब्रेन ऑपरेशन करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए अरेंज करने के लिए कहा। पहली बार उस दिन जब मैं आपसे मिला था तब हम दोनों के हालत बिल्कुल एक जैसे थे। अपनी बेटी के भविष्य के लिए आप मुझे पैसे देना चाहते थे। मेरी मां के प्यार की खातिर मैं वो पैसे लेना चाहता था। आपकी बेटी के लिए प्यार और मेरी मां के लिए प्यार बिल्कुल एक जैसा ही था। वही बात थी अंकल। गुड चॉइस बेटी। लव यू वरुण। तुम्हारी मां तुम्हें पहचान जाएगी। मिल। पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए, बाहर जाकर वेट कीजिए। वरुण तुम पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो, डैडी वो सब देख लेंगे। जरूरत नहीं है, ये दे देंगे तो हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसा क्या है? इसमें लैपटॉप है। इसके लिए पुलिस सुलेमान खान का पीछा कर रही है। ये पुलिस वाले तो फ्री में ले लेंगे, लेकिन सुलेमान खान को देंगे तो 6 करोड़ देगा वो। 3 इसके 3 मेरे। ये सब सुनकर ये कोई क्राइम लग रहा है। रिस्क मत लो वरुण, पुलिस को दे दो। पुलिस को दे दें? थैंक यू वरुण, तुमने वो लैपटॉप देखे, हमारी बहुत हेल्प की। सर ये तो मेरा फर्ज था। सर ये पासवर्ड हमसे हैक नहीं हो रहा है, अगर और ट्राई करेंगे तो डेटा क्रैश हो जाएगा। सर इसे ओपन करने का मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है? वो मेरे कॉल का इंतजार कर रहा है। मैं ये लैपटॉप लेकर जाता हूँ, आप मेरे पीछे आइए। ओके वरुण। आफ्टर ऑल उस कार ड्राइवर को पुलिस वाला समझ के डर रहे थे। नहीं नहीं, तुमने हमें डरा के रखा था। सॉरी सर, मुझे भी ये बात अभी पता चली, इसीलिए कॉन्फ्रेंस में ना जाकर मैं आपके पास आया। सब कुछ तुम्हें पहले से पता चल जाता है ना? कोई बात नहीं, वो पैसे के लालच में लैपटॉप देने इधर ही आ रहा है। आने दो, ये अभी तक आया क्यों नहीं? वेलकम वरुण, वेलकम। फोन की बातें सुन के लगा था कि तुम आओगे नहीं, लेकिन तुमने अपना वादा पूरा किया। मेरा ब्रीफकेस यहाँ लाकर हीरो बन गए। क्यों बे, अच्छा बोला ना? बोला भाई। भाई फोन पर तुम्हारी आवाज सुनी, लगा तुम गब्बर सिंह के विलन की तरह हो गए। कोई फर्क नहीं है, सेम वैसे ही दिखते हो। क्राइम करने वाले के साथ तुम कॉमेडी कर रहे हो, ब्रीफकेस। भाई इस पर भरोसा नहीं कर सकते, एक बार डेटा चेक कर लीजिए। सही कहा। भाई तुम्हारा लैपटॉप तुमको मिल गया,
अब तो तुम खुश हो ना? मैं खुश, फुल खुश। भाई 6 करोड़ मुझे दे दोगे तो मैं चला जाऊंगा। भाई मैंने जैसा कहा तुम लैपटॉप देके हीरो बन गए, लेकिन मैं अपना वादा पूरा करने के लिए तुम्हारी तरह हीरो नहीं हूँ, विलन, बैड विलन। मेरे बारे में जो जानता है वो जिंदा नहीं रहता। भाई तो फिर इन सबको मार दो ना। अच्छा बहुत बोल रहा है तू, तुझे चुप करा देता हूँ। गलत, अंदर रखो। कौन है बे तू? क्लाइमेक्स में आने के बाद मेरा इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, कौन है भैया? कौन? सुलेमान खान। ओह, तो तुम हो जिससे लोग डरते हैं, सुना है मैंने। इतने इजी तरीके से बोल रहे हैं, तूने क्या मुझे आइटम गर्ल समझ रखा है? तीन तक गिनूंगा, मेरे भाई को छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या कर लेगा बे? अबे ये कैसा सवाल है बे, फिर से 3 तक गिनूंगा और क्या। तब भी नहीं छोड़ा तो फिर से 3 तक गिनोगे? उसके आगे की गिनती नहीं आती है मुझे, बात समझा करो यार। गोली भी खत्म हो गई। पकड़ो उसे। भाई तुम यहाँ पर क्यों आ गए? कैश मिलेगा तो बांट लेंगे सोचा था, आधा आधा करने में तुम्हें तकलीफ होती है ना, इसीलिए। भाई तुम तो सुपर हो। थैंक्स। इधर देखो आगे तुम्हारे रिश्तेदार, यही है सुलेमान खान। इसका लैपटॉप भी इधर ही है, ले जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और ये लो चेक। ये लो। थैंक्स वरुण। भगवान के द्वारा भेजी हुई आत्मा को अपने रक्तमान से जो इंसान का रूप देती है दुनिया में लाने वाली वो माँ होती है। वो अपने प्यार मोहब्बत से, अपनी माया ममता से अपने बच्चे को एक इंसान बनाती है। उस माँ का वो फर्ज इस युग में ही क्या, कई युगों तक कोई भी नहीं चुका पाएगा। इसलिए हमें उसकी देखभाल वैसे ही करनी चाहिए जैसे उसने हमारी की थी। ऐसी देखभाल करने वाले हर किसी के लिए हमारी ये फिल्म अर्पण है। मैं हूं आपका प्रिय वरुण। एफिल टावर से ऐलान करूंगा, चाहूं तो